रिंच का एक रिंग दिया और दो कलर की कॉर्ड और दो डिज़ाइन के बीट्स ली। अभी देखिए 3 इंच की रिंग के साथ 10 कॉर्ड अटैच करना है, तो 10 कॉर्ड की लेंथ है 4.5 मीटर। तो ऐसे करके मैं 10 कॉर्ड अटैच कर लेती हूँ। ये देखिए मैं इधर 10 कॉर्ड अटैच कर ली। अभी करना क्या है, ये जो कॉर्ड है देखिए, ये जो कॉर्ड है और ये जो कॉर्ड है, इसके बीच ये वाला कॉर्ड लेना है और ये वाला कॉर्ड लेना है। बीच का ये दो कॉर्ड लेके इसमें बीट्स डालना है, डाल के फिर इसका नॉट लगाना है। देखिए अभी ये जो कॉट है इसको अभी छोटा है, अभी इसमें डिजाइन बनाना है। इस कॉट में ये सारे कॉट को पाइपिंग करना है।
अभी देखिए इसमें बीट्स डालनी है। इसे इस कॉट को ऐसे घुमाना है, घुमा के फिर पाइपिंग करना है। तो ऐसे करके मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए दोनों साइड में 4 डिज़ाइन करके कंप्लीट की, 1 2 3 4, इस साइड भी 4 डिज़ाइन। अभी क्या करना है, ये जो बीच के 2 कॉट छोड़ के रखी थी इसमें 3 बीट्स डालनी है, नहीं नहीं सॉरी 4 बीट्स डालनी है। फिर इस कॉट को ऐसे करके ये सारे कॉट को अभी पाइपिंग करना है। अभी इस कॉट में ये सारे कॉट को पाइपिंग करना है। अभी ऐसे ऊपर जैसे स्क्वायर नॉट लगाई थी इधर भी सेम तरीके से स्क्वायर नॉट लगाना है। देखिए
देखिए इधर जो बीट्स में डाली थी इधर नहीं डालना है, मैं इधर ऐसे सिंपल नॉट लगाऊंगी। ओके तो देखिए वन नॉट लगाई ऐसे करके सेम, और टू नॉट लगाना है तो ऐसे टोटल थ्री स्क्वायर नॉट लगाना है। फिर ये बीच का जो दो कॉट है उसे देखिए इधर से ये जो होल दिखाई दे रहा है ऐसे ऐसे देके आना। अभी सिंपल स्क्वायर नॉट लगाना है। तो ऐसे करके स्क्वायर नॉट लगाते हुए 18 लाइन कंप्लीट करना है। टू लाइन कंप्लीट हुआ है वैसे, और 16 लाइन ऐसे कंप्लीट करना है। टोटल 18 लाइन ये कंप्लीट करना है। तो ऐसे मैं 18 लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए इधर मैं 18 लाइन कंप्लीट कर ली, और अभी क्या करना है 11 इंच का एक कॉट ली और लेके इसको दो फोल्ड करके ये जो पहले वाला जो छेद है देखिए ये वाला, इसमें इस साइड भी पहले वाला कैसे करने के बाद ये जो कॉट है इसको अभी पीछे के साइड ऐसे चिपकाना है। देखिए इस कॉट को भी
सेम तरीके से ऐसे ही चिपकाना है। अभी इसमें देखिए 10 कॉट अटैच करना है। इधर जो 10 कॉट है इसका लेंथ है 1 मीटर करके। ऐसे करके 10 कॉट अटैच करना है। इधर 10 कॉट अटैच कर लिया। अभी करना क्या है, सिंपल स्क्वायर नॉट लगाना है। इधर भी सेम 18 लाइन कंप्लीट करना है। देखिए अभी सेकंड लाइन में क्या करना है। ये जो देखिए फर्स्ट में ये हमने ऐड की थी एक कॉट, और अभी ये अभी क्या करना है, अभी जब नॉट लगाना है तब ये जो कॉट है पहले वाला जो कॉट है इसको ऐसे चिपकाना है। फिर इसको ये थर्ड लाइन के लिए है, तो पहले जो दो कॉट छोड़ना पड़ता है ये तो छोड़ना है। देखिए थर्ड लाइन में ये वाला जो कॉट है इसको ऐसे करके भी ले सकते हो, ऐसे नीचे से ऐसे भी ले सकते हो, नहीं तो ऐसे भी ले सकते हो। जो आप लोगों को सही लगे वही लीजिए। फिर ऐसे 4 कॉट पकड़ के स्क्वायर नॉट लगाना है। तो ऐसे करके मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए नीचे का ये जो है, इधर मैं 18 लाइन बनाई थी और ऊपर 16 लाइन बनाई, दो लाइन नहीं बनाई। और देखिए अभी ये क्या करना है, 16 लाइन बनाने के बाद एक्स्ट्रा कॉट को ऐसे अंदर ऐसे पीछे की तरफ इसको ऐसे करके लेके
से लेके फिर ऐसे चिपकाना है। अभी सेम इधर जो डिजाइन बनाई थी, ये जो डिजाइन बनाई थी वही डिजाइन बनाना है। ये जो पहले देखी बीच डाल के स्क्वायर नॉट लगाई थी, इधर भी सेम वही करना है। तो ऐसे करके मैं ऊपर जैसे ये डिज़ाइन बनाई थी सेम वही डिज़ाइन और इतना दूर तक मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए अभी ऐसे बनाना है, तो इसके लिए ऐसे 4 स्क्वायर नॉट लगाना है। देखिए ये जो लास्ट है 1 2 3 4 इधर ये 2 कॉर्ड को ऐसे निकल के लेके आना है। देखिए ऐसे 1 2 3 ये लाइन दिखा देने के बाद क्या करना है, और ये 4 कॉर्ड को काट के एक एक बीट्स डाल के